भारतीय सेना को मिलने जा रहा है अपना नया हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, जो कि थल सेना भवन के नाम से जाना जाएगा। ये थल सेना भवन होगा राजधानी दिल्ली के कैंट एरिया में, ठीक मानेकशॉ सेंटर के सामने। और ये थल सेना भवन दरअसल इतना भव्य ये इमारत होगी जो कि दुनिया को भारतीय सेना की ताकत का नमूना यानी कि परिचय कराएगी कि किस तरह की ताकत भारतीय सेना की होगी। करीब 39 एकड़ एरिया में फैला होगा ये थल सेना भवन, और जो इसकी बिल्डिंग होगी वो 7.5 लाख स्क्वायर मीटर में बनी होगी, बहुमंजिला यानी कि 7 से भी ज़्यादा फ्लोर होंगे इस थल सेना भवन में। इस थल सेना भवन को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि अभी जो आर्मी हेडक्वार्टर है वो अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ है। जो थल सेना प्रमुख हैं, वाइस चीफ हैं यानी कि सहसेना प्रमुख हैं, वो रक्षा मंत्रालय में यानी कि रक्षा मंत्री के दफ्तर के साथ वहाँ पर उनका ऑफिस है, साउथ ब्लॉक में है। और उसके अलावा जो और जो आर्मी हेडक्वार्टर से जुड़े हुए और जो ऑफिसेज हैं वो सेना भवन, जो कि साउथ ब्लॉक के बेहद करीब है, आरकेपुरम, शंकर विहार, इस इलाकों में हैं। कुछ दफ्तर जो हैं हटमेंट्स एरिया में यानी कि हट्स में भी चलते हैं, इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि अब एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे ये सभी ऑफिस हों। जो DGMO यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं या फिर मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच हैं, ये सब भी इसी नए थल सेना भवन में होंगे। ये भी जानकारी दी गई है कि इस थल सेना भवन का जो में एक अंडरग्राउंड ऑपरेशंस रूम यानी कि वॉर रूम भी बनाया जाएगा, जहाँ पर पूरी जो प्लानिंग है थल सेना की वो उसमें वहाँ पर होगी और उसमें रियल टाइम में वहाँ पर देखा भी जा सकेगा। स्टेट ऑफ द आर्ट ये ऑप्स रूम होगा। अभी तक ये जो ऑप्स रूम्स है यानी कि वॉर रूम है, ये साउथ ब्लॉक में ही है जहाँ पर रक्षा मंत्रालय और थल सेना प्रमुख का दफ्तर है। लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार ने इन जो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को म्यूजियम में बदलने की प्लानिंग तैयार की है, यानी कि वहाँ से जो सारे दफ्तर हैं वो यहाँ से हट जाएंगे, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो सब यहाँ से राजपथ पे जो सेंट्रल विस्टा बनाया जाएगा वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए ज़रूरत इस थल सेना भवन की भी पड़ी कि अब जो है थल सेना को अपना एक नया दफ्तर होना चाहिए, एक नया हेडक्वार्टर होना चाहिए। जो सनराइज आर्किटेक्चर होगी यानी कि उगता हुआ सूरज इस बिल्डिंग में थल सेना भवन में दिखाई देगा, किरणें दिखाई देंगी। 6,000 जो अधिकारी होंगे, सैन्य अफसर होंगे और सिविलियन ऑफिसर्स होंगे, वो इस दफ्तर में होंगे। इनमें बताया जा रहा है कि करीब करीब 3,000 के करीब जो होंगे वो मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे और इतने ही सिविलियन उनका स्टाफ होगा। यहाँ पर जो पार्किंग होगी 2 लेवल पे होगी, करीब करीब 4,000 से 5,000 गाड़ियाँ इस थल सेना भवन में होंगी। शुक्रवार को यानी कि महाशिवरात्रि के अवसर पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस थल सेना भवन की नींव रखी। इस दौरान जो सर्वधर्म जो गुरु हैं उन्होंने अपने अपने धर्म के अनुसार यहां पर उच्चारण किया, और उसके बाद खुद नारियल फोड़कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस थल सेना भवन की नींव रखी। इस दौरान उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि जो अभी तक जो भारतीय सेना की जो थल सेना के जो अधिकारी हैं 3,000 से 4,000 जो दिल्ली कैंट एरिया में रहते हैं, वो रोज़ाना यहाँ से लुटियंस जोन में, साउथ ब्लॉक में या और दूसरे इलाकों में जाते हैं, वो जो है बंद हो जाएगा। अब वो सारे अधिकारी पैदल चलकर बिना गाड़ी के भी यहाँ पर यहाँ आ सकते हैं, जिससे पर्यावरण जो राजधानी दिल्ली का पर्यावरण है उस पर भी खासा असर पड़ेगा, क्योंकि अभी पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही के चलते होता है, वो कम हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो थल सेना भवन होगा देश की और जो सेना है, जो सामर्थ्य है हमारे सैनिकों का, उसको भी दर्शाएगा। ABP News आपको रखे आगे।